أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इक्विलिब्रिया. इक्विलिब्रिया में हम आते हैं, तो सबसे पहले हम बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखें जितने केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, इससे पिछले चैप्टर में हम देखा एक्सोथर्मिक होते हैं और एंडोथर्मिक होते हैं. अब हम देखेंगे, अच्छा जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, वो या तो रिवर्सिबल होते हैं या वो इरिवर्सिबल होते हैं. ठीक है, रिवर्सिबल कौन से होते हैं? दोज रिएक्शंस विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस. और इरिवर्सिबल कौन से होते हैं? विच प्रोसीड इन वन डायरेक्शन से. आपको बहुत से लोगों को गाने याद आ रहे होंगे, वन डी टू डी, ये वो नहीं है. रिवर्सिबल रिएक्शंस का जो एरो है वो हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है, और इरिवर्सिबल का ऐसे होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं कि देखें ये वाला रिएक्शन है +3H2, ये कौन सा रिएक्शन है? हेबर प्रोसेस. और ये जो है ये रिवर्सिबल है. ठीक है, अब इसी रिएक्शन को थोड़ा सा हम देखते हैं. देखें इसके जो रिएक्टेंट साइड है ये वाली, यानी कि अब रिवर्सिबल रिएक्शन में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, शायद किसी मोमेंट पे जो रिएक्शन है हमारा वो ये हो, रिएक्टेंट ये हो, प्रोडक्ट ये हो, तो हमें ये नहीं पता. तो बेहतर है कि आप जो है वो टर्म कौन सी इस्तेमाल करें, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें मोल्स कितने हैं, टोटल मोल्स कितने हैं, इसके 3 हैं और इसके 1 है, तो इसके जो है ये 4 मोल है. और राइट हैंड साइड पे 2 मोल है. अब मोल्स इक्वल है? नहीं है इक्वल, तो ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है. ठीक है, अब इसको अब एग्जांपल लेते हैं कि देखें एट टाइम 0 मिनट्स इसके 4 मोल है. ठीक है, एट टाइम 0 मिनट्स इसके 4 मोल है, इसके 2 मोल. एट टाइम 60 मिनट इसके मोल्स 3.1 हो जाते हैं और इसके 0.9 हो जाते हैं. एट टाइम 120 मिनट्स इसके 2.9 हो जाते हैं और इसके 1.1 हो जाते हैं. एंड एट टाइम 180 मिनट्स इसके 2.9 ही रहते हैं और इसके 1.1 ही रहते हैं. तो ये जो है ये क्या हुआ है, व्हाट इज दिस कॉल्ड? ये जो है ना, इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड. ठीक है, आप इधर ऐसे करके लिख लेते हैं, इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड. ठीक है, एट दिस पॉइंट. ठीक है, तो अब जो है वो हम अगली जो चीज है उसको हम देखने वाले हैं, और वो है आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, वाह क्या टेढ़ी लाइन बनाई है. ओके, अब डायनामिक इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है? देखिए इक्विलिब्रियम जब भी होगा, तो इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं. ठीक है, अच्छा जी, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में आप लिखिए मेरे साथ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to rate of backward reaction. ठीक है, concentration of reactants and products does not change.
ठीक है, एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस प्लेस इन अ क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, ठीक हो गया। सो ये तीन चीजें जब अचीव होंगी तब हम कहेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो गया है।